अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से निर्मल ग्राम पिपलांत्री में चल रहे 3 दिवसीय ग्राम विकास कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने शिरकत की। गांव के समग्र उत्थान के लिए पिपलांत्री में पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल व सरपंच अनिता पालीवाल के प्रयासों की काफ़ी सराहना की, साथ ही प्रतिभागियों को भी प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारट, पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक, मीडिया प्रभारी नर्मदा शंकर पालीवाल सहित बड़ी तादाद में कार्यकर्ता व ग्रामवासी मौजूद थे। अब देखिए प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने के बाद क्या बोले जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी। पिपलांद्री ग्राम पंचायत से आया वनवासी कल्याण परिषद का प्रशिक्षण कार्यक्रम था। यहाँ के सरपंच पति हमारे श्याम जी पद्मश्री से सम्मानित हैं। पिपलांद्री में मैं जाकर के मैंने देखा है तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के सर पौधारोपण जो गोचर भूमि पर जिस प्रकार से विकसित उसको किया उसको देख करके एक अलग ही एक उदाहरण है हमारे लिए। देश प्रदेश के लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर पूरे देश भर के सरपंचों की ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, वो आते हैं। ग्राम विकास की जो एक अवधारणा है वो यहाँ से हमको मिलती है, दिखती है। और यहाँ पर आकर के कुछ समस्या मुझे देखने को मिली, जो यहाँ पर जो खनन क्षेत्र होने की वजह से, माइनिंग क्षेत्र होने की वजह से जो लोग विस्थापित हैं उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इन लोगों का कहीं पुनर्वास हो, मुख्यमंत्री से बात करके, और ऐसा हम सोचेंगे। आज हमने यहाँ पर पेयजल स्कीम का भी उद्घाटन किया है। ये पंचायत की बहुत अच्छी पहल है और राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार मोदी जी की योजना के कारण प्रत्येक गांव को नल से जल पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं हमारे मोदी जी। और जहां भी वंचित है पेयजल स्कीम से उन सब गांवों को पेयजल से जोड़ करके उनको पानी पहुंचाने का काम करेंगे। विकास की जो भी मूलभूत सुविधा है उनको भी गांवों तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं, द्रुत गति से कर करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।